हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम कहीं बाहर जा रहे हैं। बाहर मीन्स विज्ञान भवन जा रहे हैं। और वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें ये इनविटेशन आया है, मतलब ये पूरे लॉ फैकल्टी को ये इनविटेशन आया है। जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा यहाँ पे जाके देखते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो बता देता हूँ एक बार कि यहाँ पे हमारे मतलब ऑनरेबल प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उन्हीं को मतलब देखने जा रहे हैं हम लोग। और इनविटेशन भी आया है, ठीक है, वहाँ जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, सारे यार दोस्त भी आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपको वहीं मिलता है। यहाँ तो मतलब अकेला ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ, यहाँ पे सब लोग ही विज्ञान भवन के लिए आ रखे हैं। मतलब जिसके हाथ में देखो यही इनविटेशन कार्ड लेके घूम रहे हैं सब लोग। ठीक है, अभी सौरभ वगैरह सर, मतलब जो बाकी के दोस्त वगैरह हैं वो सारे पहुंच गए हैं, तो अभी हम देखते हैं किधर निर्माण विहार इधर ही से जाएंगे ना। हम भी विज्ञान भवन पहुंचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के सर्कल में जितने भी रोड्स वगैरह हैं, मतलब फुल्ली ग्रीन है यार, पूरी ग्रीनरी के साथ हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब बोर्ड भी देख रहे हो, ये बोर्ड पर यहीं जाना हमें। भाई अपना विज्ञान भवन यही है एंट्री साइड। यार एंट्री के लिए काफी भीड़ हो रखी है। मैंग दिखा गया तो मैंग खड़ा है रजिस्ट्रेशन के पास। ये देखो ये भाई है, दिस इज विज्ञान भवन। हेलो दुष्यंत भाई, ये 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 देखो। और भाई शुभम कैसा? और भैया और पांडे भैया कैसे हो? और सर हां हां आए हैं। असमत यू आर हेयर फ्रॉम 7 o'clock यस एंड यू आर स्टिल आउटसाइड द डोर। वी कैन सी 6 बार तो बंद। अरे यार यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, मुझे लगता है इस गेट से ना हमें उस गेट तक पहुँचने में जन्म लग जाएंगे। पीछे पूरी भीड़ ही भीड़ है देखो। और भाई विक्रांत फाइनली घुस गए सो मच विज्ञान भवन में। पता नहीं था मेरे को। इसमें तो सब साइंस वाली बातें होंगी ना। हाँ आएंगे तो बताएंगे ना तेरे को साइंस के। ये भी सही, इसमें तो ऐसी होगी ना। अबे चलना ये सारे टीम के साथ रहे, तू तू ऐसी तैसी करा। अरे कतई जहर भीड़ हो रखी है यार साला कुछ। चलो हम लोग तो 9:30 बजे ही आए हैं, बहुत लोग तो साला जो है 7-7 बजे के आके ना यहीं बैठे हुए हैं, अभी उनको एंट्री नहीं मिली है। चलो हम तो 9:30 वाले हैं, तो मतलब 2 घंटे तक एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। हेलो ब्रो कैसा है? सब बढ़िया भाई। सब और चिरू भैया कैसे हो? और भाई साहब कैसे हो? कैसे हाँ ब्लॉग बन रही है ब्लॉगर सीट। ये निशांत, चिरू भैया और अभिजीत। हाय अभिजीत सेठ हैं, प्रमोद जी का पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करते हैं पूरा। प्रमोद जी ये कौन है? सीट है ये सीट। प्रमोद मैं काट दूंगा, मैं ऐसे काट दूंगा। ये सिड गाय, वो सिड गाय बोल रहे हैं। सिड गाय, अबे सिड है उसके बाद गाय मतलब सीधा। भाई ये तो बहुत बदबू वाली गाली दे दी आपको। चलो भाई चलते हैं विज्ञान भवन। एक जन्म बीत गया अभी गेट पे ही है। बाल क्या से क्या हो गए, एक जन्म तो बीत गया है। अब तो प्रमोद की औलाद अंदर जा रही होगी ना, प्रमोद की औलाद। हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमें यहीं से ना लौटना पड़ जाए। हाँ डर है हमें, डर है, बहुत डर है, क्योंकि पहुँचे ही 10:30 बज गए हैं। 11 बजे प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं और हमें नहीं लगता कि हम 11 बजे से पहले अंदर जा पाएंगे, पता ही नहीं, देखते हैं। ऐसा कुछ लग रहा है कि एंट्री वगैरह रोक दी है क्या अभी? कोई नहीं, ये देखो बहुत लोग नीचे खड़े हैं, बहुत भीड़ है। हमारे सारे एफर्ट जो है गए, अब हमें नहीं लग रहा कि हमें एंट्री मिलेगी। काफिला आ गया वो तो ठीक है। अच्छा काफिला शुरू हो गया होगा, नहीं लाया कोई, जो भी वो छोड़ो,
हमें लग नहीं था कि एंट्री मिलेगी क्योंकि दोनों गेट बंद हो गए और अंदर हमारे कोई लोग थे वो कॉल किया था, वो बोल रहे हैं कि यार मोस्टली फुल हो गई हैं सीटें तो शायद ना मिले, देखते हैं क्या करना है। नहीं तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट प्लान बांग्ला साहिब का है, वहाँ जाएंगे। प्लान है बट देखते हैं एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा वो देख लेंगे, वरना कहीं ना कहीं तो जाएंगे, भूखे नहीं रहेंगे। हालात कुछ काबू में नहीं दिख रहे हैं, भीड़ इतनी हो गई है, मतलब शायद औकात से ज़्यादा इन्विटेशन दे दिए हैं। वही कह रहे हैं ना, औकात से ज्यादा इनविटेशन। निवेदन है कि अगर आपके यहाँ जगह ना हो तो किसी को बुलाए ना, ठीक है? आपके घर में खुद के लिए जगह नहीं है, दूसरों को बुला लेते हो, फिर कहते हो भाई साहब वापस जाओ। मैं थोड़ी मजाक हो रहा है, एक मतलब अपकमिंग सीनियर एडवोकेट की जो है वो वैल्यू जानते हो कितनी है टाइम की? इतना दिमाग नहीं है, उतना ही इन्विटेशन दो जितना बुलाइए कोई भी हो यार, मतलब वही कहानी है कि तुम्हारे पास जगह नहीं है और तुम बुला लो, खाने को रोटी नहीं खिलाने के लिए शहर को बुला लो। दिस इज नॉट डन हाँ, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट फेयर। ऐसे मजाक होता है क्या? 100 रुपए खर्च करके आया हूँ मैं फरीदाबाद सेक्टर 28, टाइम हो रहा है, ये 150 रुपए खर्च करके आई है लड़की उबर ऑटो करके। यार हम लोग आ गए अपकमिंग CGI, कोई हाई कोर्ट का, कोई सुप्रीम कोर्ट का, टाइम हो रहा है 10-25 हो रहा है, सीनियर एडवोकेट वगैरह बनने वाले हैं, उन लोगों के टाइम की कोई कीमत नहीं है। तू तो CGI हो रहा है। ना ना अपना सीनियर एडवोकेट बेटर है। गुस्सा मत हो। वैसे ब्लैक पहन के आने के लिए मना कर, ब्लैक पहन के आने के लिए मना कर दिया यहाँ पे अलावा, क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है ना बंदे, कोर्ट निकाल के घुमा दे लोग काले झंडे समझेंगे। क्या हुआ आज के टाइटल का, आज के उसका ब्लॉग का टाइटल गिर गया और इसके चप्पल के नीचे आ गया, क्या हो गया? सॉरी गाइस यार, लेट हो गया। हां भाई साहब आपको कैसा लग रहा है बताओ, मुंह की खा के आप तो तैयार हो गए? अरे दरवाजे पे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया ना, 2 मिनट पहले तो पहुंचे। अरे बना मत, मुझे मत बना, मैं नहीं मान, मैं मान नहीं, कवर नहीं करना है, धक्का मार मार कर अंदर घुसो, लीपो मत, अब जो हो गया लीपो मत। ये देखो दर्द बांटने के लिए हमारे सौरभ तो 7 बजे का खड़ा है। सौरभ का तो और ज्यादा दूर ब्लॉग में ऐसी बातें नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्रॉप कर दूंगा और उसको सेव कर लूंगा। सच हो गए, ये विज्ञान भवन मुझे याद रहेगा, तूने ही सजेस्ट किया था ना, जान पीछे बैठना, थोड़ी कहा था 12 बजे पहुंचना, सुबह सुबह आने में 7 बजे पहुंचे थे, 7 बजे हम पहुंचे थे। इंतजार किसका था? हाँ जी सर, तो अच्छा बताएंगे यहाँ पे आपको मतलब क्या माहौल देखने को मिला है? अरे भैया इसको हम काट देंगे, मतलब म्यूट कर देंगे। देखो लोग वापस आ रहे हैं, अंदर से भी बाहर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटी 1500 की है, घुसा रखे 3000 बंदे और 2500 घुसा रखे हैं, ठीक है 1000 बाहर घूम रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज नॉट डन। एंड हमारे बैंक भैया उधर दिखाओ, बैंक भैया खड़े हैं जो बैंक भैया अंदर पहुंच गए, सीट मिल गई, मेन हॉल में बढ़िया से बैठ गए, पता लगा गाड़ी चाबी जेब में, सिक्योरिटी चेक वाला आया, कहता गाड़ी चाबी जेब में, यहाँ वापस जाओ, वापस रख के आओ, गाड़ी चाबी जमा करने आया भाई, चला। तो अब दोबारा एंट्री हो नहीं पाई, अपनी एंट्री हो रही है, लो भैया लेंटर लगे, दोस्तों सब अंदर है, अकेला बाहर है, है इससे बुरा किसका कितना होगा। चलो कोई नहीं, और बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग आ रहे हैं, क्या करें, यहाँ पे अभी भी लोग गेट पे खड़े हैं उम्मीद लगा के, यहाँ पे इनकी उम्मीदें विक्रांत जाए, इनकी उम्मीदें तोड़ के आ तो कुछ नहीं होना, बोल दे खड़े रहन दो यार, रहन दो। अच्छा हाँ, हम लोग जैसे 7 बजे से खड़े थे वैसे इन लोगों को भी खड़े रहने दो। सब पहले तो जो है गेट पे बंद कर रखा था, अभी तो मतलब बाहर निकाल रहे हैं, मजाक चल रहा है यार, कुछ ज़्यादा ही मजाक बना दिया। चलो अब बाहर चलते हैं, वेरी डिसअपॉइंटिंग, लिटरली डिसअपॉइंटेड। हम लोग ये मौलाना आजाद रोड पे फुटपाथ पे बैठे हुए हैं पूरे डिसअपॉइंटमेंट के साथ, और मुद्दा ये है डिसअपॉइंटमेंट किससे है, मैनेजमेंट से है। हाँ मैनेजमेंट इतना घटिया था, इतना घटिया कि मतलब उन लोगों को यही नहीं पता है, टोटल मिसमैनेजमेंट, एग्जैक्टली टोटली मिसमैनेज्ड, और ठीक है मिसमैनेजमेंट, एग्जैक्टली वहाँ पे सीटें 1500 हैं, कार्ड बांट दिए 4000, 4500 तीन गुना बोलेंगे ना, अच्छा 3 गुना कार्ड बांट दिए,
बच्चे जो है जितने ज्यादा अंदर नहीं थे उससे ज्यादा बाहर लोग डोल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से डिसअपॉइंटमेंट के साथ एकदम पानी पी के बस निकल गए हैं। आगे बांग्ला साहिब जाने का है या कहीं भी खाना ना खाएंगे उसके बाद यार देखते हैं कहाँ जाते हैं, बता दूंगा आपको। मुंगी खा के कैसे लगे? अंदर जाएंगे तो बताएंगे आपको। बात सही है। जितने लोग बैठे हैं फुटपाथ पे सब लोग एकदम निराशाजनक माहौल है। इनके चेहरे देखिए कितने शिकस्त हैं चेहरे। हाँ, इनके चेहरे देखिए और उससे ज्यादा जो है सबके चेहरे पे दर्द है। हारे थके हुए निराश लोग सब परेशान है यार। चलो इसी बीच में हमें कुछ अच्छा भी देखने को मिल गया। NSS वाले लोग जो है कूड़ा इकट्ठा करके डंप कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम। हाँ मतलब यही होता है आपदा में हो सर। यहाँ पे देखिए NSS के लोग काम कर रहे हैं, एक एक प्लास्टिक बीन के जो है डंप करने के लिए डाल रहे हैं।